ये देखिए, जैसा दही हम जामन डाल के जमाते हैं वैसा ही दही जमकर यहाँ पर तैयार हुआ है, एकदम गाढ़ा दही जमकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, हरी मिर्च से जमाया गया दही का स्वाद एकदम ऐसा ही आता है जैसा हम जामन डाल के जमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हरी मिर्च से दही जमा रहे हैं तो इसका स्वाद हमें कड़वा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रेखा सीरा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। अधिकतर हम दूध को जमाने के लिए जामुन का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जामुन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में हम दूध को कैसे जमाएं? तो ऐसे में दूध को जमाने के लिए मैं आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। वो ट्रिक है कि हम हरी मिर्च से दूध को जमाएंगे। हरी मिर्च तो हर किसी के फ्रिज में होती है क्योंकि हम सब्जी में तड़का वड़का लगाने के लिए रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, तो मैं दूध के अंदर ये दो तीखी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ। इससे हमारा दूध बहुत ही अच्छा जम के तैयार हो जाएगा। जैसे हम जामुन डाल के दूध को जमाते हैं, उसी प्रकार सेम हरी मिर्च से भी हमारा दूध जमकर तैयार हो जाता है। ये रेसिपी शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि अधिकतर लोग अनजान रहते हैं कि हरी मिर्च से भी दूध को हम जमा सकते हैं। अगर आपके पास बाय चांस कभी जामुन ना हो तो आप इस हरी मिर्च से भी दूध को जमा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, डेली में इतना ही दूध जमाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ हरी मिर्च से दूध जमाना बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हरी मिर्च को हम डंठल सहित डालेंगे, डंठल को अलग नहीं करेंगे। जामुन जमाने के लिए दूध हमारा हल्का गुनगुना होना चाहिए। दूध यहाँ पर इतना गुनगुना है कि मैं दूध के अंदर फिंगर डाल रही हूँ तो फिंगर मेरी जल नहीं रही है, बस हल्का सा फिंगर को गुनगुना लग रहा है। और हम कभी भी दूध को जमाते हैं तो दूध हमारा हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा तेज़ गर्म दूध में जामुन डालते हैं तो वो दही हमारा खट्टा हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा गुनगुने दूध के अंदर ही जामुन को डालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध एकदम गुनगुना है, मैं फिंगर डाल रही हूँ तो फिंगर मेरी जल नहीं रही है। अब हम हरी मिर्च को दूध के अंदर अच्छे से डिप कर देंगे, ये लीजिए। और अब दूध को हम ओवर नाइट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसे सुबह देखेंगे तो हमारा दही बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय हो गया है और फाइनली हमारा मिर्ची से दही जमकर तैयार है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दही हमारा एकदम गाढ़ा जम के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हो, हरी मिर्च भी अभी दही के अंदर ही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हरी मिर्च को निकाल लेंगे। अब मिर्च को तो हम साइड में कर देंगे और आपको मैं दही दिखाती हूँ, दही हमारा कैसा जमकर तैयार हुआ है। ये देखिए, एकदम गाढ़ा दही जमकर तैयार हुआ है। जैसा दही हम जामुन डाल के जमाते हैं वैसा ही दही जमकर यहाँ पर तैयार हुआ है। आप दही को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा दही हम पर जमकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन लेती हूँ। अगर आप इस दही को स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हो, स्टील के बर्तन में जमाओगे तब भी ये दही आसानी से जम जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी कभी इस प्रकार दही जमा कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव रेखा सिरा किचन के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।